राधे राधे दोस्तों, क्यों तीन ओर से टेढ़े खड़े होते हैं भगवान श्री कृष्ण, ये रहस्य जानकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, एक बार की बात है, वृंदावन का एक साधु अयोध्या की गलियों में राधे कृष्ण जप रहे थे। तभी अयोध्या के एक साधु वहां से गुजरे तो उनके जाप सुनकर कहने लगे कि अरे जपना है तो सीताराम जपो, क्या उस टेढ़े कन्हैया का नाम जपते हो। वृंदावन का साधु भड़क कर बोले, जरा जुबान संभाल कर बातें करो, तुमने मेरे भगवान को टेढ़ा कैसे बोला। अयोध्या वाला साधु बोला, इसमें गलत क्या है, तुम्हारे कन्हैया तो है ही टेढ़े, कुछ भी लिख कर देख लो, उनका नाम टेढ़ा कृष्ण, उनका धाम टेढ़ा वृंदावन। वृंदावन वाला साधु बोला, चलो मान लिया कि नाम टेढ़ा है, पर उनका काम भी टेढ़ा है और वो खुद भी टेढ़ा है, ये तुम कैसे कह रहे हो। अयोध्या वाला साधु बोला, अच्छा ये भी बताना पड़ेगा तो सुनो, यमुना में नहाती गोपियों के कपड़े चुराना, रास रचाना, माखन चुराना, ये क्या कोई सीधे लोग के काम है। और एक बात बताओ कि आज तक किसी ने उन्हें कभी सीधे खड़े देखा है। वृंदावन के साधु को बड़ी बेइज्जती महसूस हुई और वह सीधे जा पहुंचा बांके बिहारी जी के मंदिर और गुस्से से बोला, इतने साल तक आपने मुझे खूब उल्लू बना लिया, अब मैं चला अयोध्या राम जी की शरण में। तब श्री कृष्ण जी मंद मंद मुस्कुराते हुए उस साधु के पीछे पीछे चलने लगे। साधु की बाह पकड़ कर बोले, भाई तुझे किसी ने गलत भड़का दिया है। पर साधु नहीं माना तो श्री कृष्ण बोले, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी, पर ये तो बता राम सीधे और मैं टेढ़ा कैसे। कहते हुए श्री कृष्ण जी कुएं की तरफ नहाने चल दिए। वृंदावन वाला साधु गुस्से में सारी बात जो अयोध्या वाले साधु ने कही थी वो कृष्ण जी से कह दी। बाकी बिहारी जी मुस्कुराते रहे और चुपचाप से अपनी बाल्टी कुएं में गिरा दी। फिर साधु से बोले, अच्छा चला जाइए, पर जरा मदद तो कर जा, तनिक एक सरिया ला दे तो मैं अपनी बाल्टी निकाल लूँ। साधु सरिया ला देता है और कृष्ण सरिये से बाल्टी निकालने की कोशिश करते हैं। साधु बोला, अब समझ में आया कि आपके पास अकल की भी कमी है, अरे सीधे सरिये से बाल्टी कैसे निकलेगी, सरिये को तनिक टेढ़ा करो फिर देखो कैसे एक बार में बाल्टी निकल जाएगी। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, जब सीधापन इस छोटे से कुएं से एक छोटी सी बाल्टी नहीं निकाल पा रहा तो तुम्हें इतने बड़े भवसागर से कैसे पार लगा सकेगा। अरे आज का इंसान तो इतने गहरे पापों के भवसागर में डूब चुका है कि इससे निकल पाना मेरे जैसे टेढ़े की ही बस की बात है। अब उस साधु को सब समझ में आ गया, वो तुरंत श्री कृष्ण के पैरों में गिर गया। दोस्तों, ऐसे हैं हमारे कृष्ण जो अपने भक्तों की हमेशा साथ देते हैं, चाहे भक्त उनके बारे में कुछ भी बोले लेकिन वो भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते हैं और उन्हें समझा के उन्हें सबक सिखा ही देते हैं। आई होप आप सबको मेरी ये कहानी पसंद आएगी और अगर आप और भी कहानी जानना चाहते हैं तो मुझे इंस्टा पे फॉलो करें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू गाइस।